आखिर खेसारी की बेटी ने ऐसा क्या कर दिया कि खेसारी रो पड़े, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमसे कुछ प्रमोट करवाना चाहते हैं या फिर अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो आप सभी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ कि आखिर खेसारी की बेटी ने ऐसा क्या कह दिया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, खेसारी लाल यादव किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं, कभी अपने फिल्मों को लेकर तो कभी गानों को लेकर, तो वहीं कभी गरीबों की मदद करने को लेकर। तो वहीं इस बार खेसारी एक अलग ही बात को लेकर चर्चा में आए हैं। जी हाँ, जब खेसारी की बेटी की पहली फिल्म आने वाली थी तब कृति पहली बार कैमरे के सामने आई थी और वो इस बात को लेकर काफ़ी खुश थी और बोली थी कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे पापा इतने अच्छे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही पापा सभी को मिले, क्योंकि मेरे पापा मुझे हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हैं, मेरे पापा हर वक्त मेरा साथ देते हैं और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे पापा मिले हैं और मैं चाहती हूँ कि हर जन्म में मुझे यही पापा के रूप में मिले। ये कीर्ति जैसे ही बोली खेसारी की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी बेटी से काफ़ी खुश भी हुए। और ये तो सच है कि खेसारी अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करते हैं और वो कहते हैं कि मैं घर पर होता हूँ तो अपनी बेटी का चेहरा देख कर ही उठता हूँ, वो मेरे लिए भगवान है, उसी की वजह से आज मेरे सारे सपने पूरे हो पाए हैं। तो अब आप सभी का क्या कहना है इसको लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।